हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डागर फैमिली पे स्वागत है। तो आज हमारा है डेली व्लॉग 2 है। तो अभी हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी और मेरी बहन की, और मेरी मम्मी नहाने गई हुई है। मेरी मम्मी आने वाली है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह से हमें बहुत भूख लग रही है और हमें कुछ नहीं खाया है। अभी हमने सिर्फ बनाना शेक ही पिया है, और अभी अभी पिया है वो भी। तो अभी हमारी क्लास आएगी, मेरी मम्मी अभी आती होंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस, मैं अभी नहाने जा रहा था तो मेरी बहन यहाँ पे, मैंने 1 घंटा हो गया बनाना शेक पिए हुए, और ये देखो, और ये अब पी दिया बनाना शेक। कैसा है बनाना शेक? मैंने बनाया इसलिए बेइज्जती फैल रही मेरी, बताओ। इतना तो अच्छा बनाया है। चलो मैं अब आपको मिलता हूँ नहाने के बाद। बोलो। मैं तो फिर उलझ गया थी। ये मेरी रबड़ क्यों लिया आपने? मैंने ना सोचा कि अभी जनवरी में वैष्णो देवी जाएंगे, तो अब की बार मेरी सिस्टर तो जान ही रही है, तो मेरा हेयर स्टाइल कौन बनाएगा? तो मैं बनाना सीख रही थी। आपको नहीं आएगा? मैंने उसकी तरह 2 कलरफुल रबड़ ली और मेरा तो झिगड़ा बन गया। मेरा देखो सही, आपने बनाया पर अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? मुझे अच्छा लग रहा है, दिखाओ। देखो नहीं लग रहा? अच्छा, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। पीछे रबर, पीछे चोटी बना दो। पीछे एक चोटी बना लेगा? नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ से वो वाली चोटी जिसमें क्या करते हैं, गुदते हैं जो, हाँ, और इधर से भी, और फिर चोटी बना दो। हाँ नहीं, दिखाओ शक्ल, शक्ल तो दिखाओ। नहीं चल रहा। आपसे नहीं बनेगा। मैं बनाऊंगी। ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है क्योंकि बहुत आसान है, जो मेरे से हमेशा ही बन जाता है। इसको मैं ऐसे करके एक रबड़ डालूंगी और रेडी हो गया। और अब मैं एक हाई पोनीटेल बना लूंगी सेम रबड़ सेम, क्योंकि मुझे और कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता है। मैं अपनी सिस्टर से सीख के जाऊंगी 2-4 हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे नहीं आता। कर रहे हो? मैं तैयार हो रहा हूँ। किस लिए? ऐसे ही, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। दिखाना इयररिंग्स। ये वाले इयररिंग्स मैंने 10 रुपए का खरीदे हैं। 10 रुपए के? 10 रुपए किसी और को मंगाना सदर बाजार से, सिर्फ 10 रुपए के। कितने क्यूट से टेडी है ये। ये हो गया मेरा अब क्या ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक खत्म? ये भी इतनी सारी शेड है, ये सारी की सारी शेड। नाइस। ये कितने का पड़ा था आपको? ये मैंने मेरा बहुत साल पहले का है। कितने साल? 2 साल? नहीं, ये मैंने मेरी शादी के टाइम पे कर लिया था। 17 साल? हाँ। और अभी तक रखा है? अब तक रखा मैंने संभाल के, क्योंकि इसमें बहुत सारी शेड्स हैं, लिपस्टिक बहुत कम आते हैं। आज कौन सी शेड की लगाओगे? आज मैं लगाऊंगी मेरी फेवरेट रेड। रेड रेड लगाओ, बन जाओ चुड़ैल। तो हेलो गाइस,
मैं आ चुका हूँ अब नहा के, तो शुरू करते हैं अब हमारा डेली व्लॉग्स पूरे दिन का। तो आप ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करेगा और सब्सक्राइब भी करेगा। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं स्टेशनरी स्विच चैलेंज। तो वो हम कैसे करेंगे कि दो बॉक्स लेंगे, उनमें अलग अलग चीज़ें डालेंगे, एक थोड़ी सी अच्छी वाली होगी, एक थोड़ी सी बोरिंग से वाली होगी। अब बच्चे एक गेम करेंगे, जो उसमें विनर होगा उसी को चॉइस मिलेगी कि वो दोनों बॉक्सेस में से कौन सा बॉक्स छाटेगा। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या आता है। ये दोनों बच्चे बैठ गए हैं, तुम लोग तैयार हो अपना चैलेंज करने के लिए? यस। तो मैं पहला राउंड शुरू करूं? जरूर। रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर सीजर शूट। कौन जीत गया? तू जीत गया। चलो ईशु ढंग से आके बन। ये क्या कर दिया आशीष? चलो बोलो अब। चल मैं करूंगा। क्या छाटेगा ईशु? ये सुई। चलो चलो ले लो लो ले लो ले लो। ये क्या मिला? और ये क्या मिला? यार जी बात, तो हार के भी जीत गया। नहीं, ये बहुत अच्छा जीत के भी हार गया तू तो। ए गधा, देख उसका तो कितना सुंदर पेन मिला उसको। मेरा है सबसे सुंदर। तेरा तो नकली सा पेन है। ये देख कितना सुंदर है उसका। सिक्स इन वन। इसमें देखो लिखा जर्मनी है और लिखा जापानीज टेक्नोलॉजी। देख 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 सिक्स इन वन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ये अच्छा नहीं है। शुरुआत में ही मैं जीत गई। ये अच्छा नहीं है। टू। चलो भाई अब मेरी बारी है। नहीं रॉक नहीं हारूंगी। रॉक पेपर सीजर शूट। कौन जीत गया? मैं। काशी जीत गई। चलो कर गया बंद। चल चल करो। हाँ कर दिया। तूने देखा भी नहीं? देखना तो ना था। मैंने देखा था। कोई नहीं चल चल देखना तो। नहीं तू चल। तू कीप या स्विच? कीप कीप। ओ मतलब तू दिखा। ये नहीं, ये क्या, ये लड़का ये करेगा। तू दिखा, तुझे क्या मिला? तुझे डोम्स की रेजर, तुझे यूनिकॉर्न की रेजर। बाजी मारा इस पे मिटाने में मजा आएगा इसकी। डोम्स इसका सी काउंट 3। चलो भाई गेम। रॉक पेपर सीजर शूट। आशी फिर जीत गई। ये क्या, दोनों क्यों देख रहा है? एक ही देखना था। चीटिंग चीटिंग करता है ये। कर ओके। कौन सा कर रहा है? ये इसने ही लाकर देगा। ये इसने ही लाकर देगा। मेरे को नहीं बोलना। क्या मिला? शॉर्पनर प्लस इरेजर। और तेरा बंदर? मेरे को नहीं खोलना। नहीं खोल के दिखा। अप्सरा ब्रांड की चीजें लेती हूँ। तू दिखा। ये किसी ने यूज करा हुआ है। ओ बढ़िया है, शॉर्पनर है और क्या चाहिए। लोकल कंपनी का है। डोम्स का है। अप्सरा G19 मैन्युफैक्चर नंबर। नेक्स्ट राउंड। राउंड 4। चलो रॉक पेपर सीजर शूट। मत खोलो, खोल के देखना है। चलो भाई बिना हिलाए बिना हिलाए
कीप या स्विच? कीप। भाई लेडीज की गर्ल्स की किट मिल गई, गर्ल्स की, गर्ल्स की किट मिल गई, इसको इसको पूरी पूरी ज्योमेट्री मिल गई, और इसका लंगूर को ये किट मेरे को वापस इसको ही देनी है, मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। इसकी तो किचन में भी आशी का ही नाम लिखा है। कोई बात नहीं, मेरे को अच्छी लग रही है। एक्सचेंज कर ले, एक्सचेंज पॉइंट भी मेरा ही उड़ेगा। एक्सचेंज, नो आई डोंट वांट टू। 5 चलो रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। लंगूर फिर हार गया, एक ही खोल के देखना इशू। रख देना, कर दिया। चलो भैया जी, कीप या स्विच? हिलाना नहीं है। हिलाया है, नहीं लाया ना। कीप या स्विच? कीप। चलो क्या मिला? ओ नटराज कंपनी का है। तो तू पिंक यूनिकॉर्न एक्सचेंज। अच्छा है। 6 चलो भाई, आपके पास बहुत अच्छी चीज है इसमें। बस पक्का पक्का बहुत अच्छी चीज है, जिसको मिल गई ना फिर तो मैं जीतूंगा। आ चलो रॉक पेपर सीजर शूट। कौन जीत गया? इशू जीत गया। चलो चलो भाई, क्या कीप या स्विच? कीप। ये मिल गया भाई, भाई। ये चाहिए था भाई, देखा था। ये चाहिए था भाई, ये चाहिए था इसको। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। क्या है ये इशू? मैं तो आइसक्रीम। हाइलाइटर है, कितने कलर्स का? 1 2 3 5 5 कलर्स का हाइलाइटर है। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। और तुझे क्या मिला? रोजिटो। ओ 5वीं ब्रांड। ओ सच में ब्रांड से कुछ नहीं होता। नटराज डोम्स एंड ब्रांड से क्या रोजिटो कबाड़ा मिलेगा? ब्रांड से मतलब रखेगी? इट्स नॉट कबाड़ा, डिजाइनर चाहिए होता है। देख ले अपना हाइलाइटर दिखाता हूँ, रुक जाओ भाई। ये कबाड़ा नहीं है, देख ले, ये देख ले भाई। नहीं चल रहा सही से, नहीं अच्छा चल रहा है। ये पॉलिश्ड है, ये देख ले। मेरा इस पर भी चल रहा है। लो तो मेरा भी चल ही रहा है, तेरे को तेरे वाले को ढक ही दिया। ये देख लो, देख लो उंगली। चलो भाई जी, राउंड राउंड 7 7 चलो रॉक पेपर सीजर शूट। इशू जीत गया भाई, अब इशू देखते हैं। हो गया कीप या स्विच? कीप या स्विच? स्विच। क्या मिल गया? पूरा का पूरा ऑक्टेन का। और इस बंदर को 5th ब्रांड पारस का मिला है मेरे को। 5th ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं है, जानता ही नहीं। मतलब इसको तो कितने सारे पेन मिले, पूरा पूरा पैकेट। और इसको बंदर को 3 पेन मिले। 3 दिखाओ तुम्हें क्या क्या चीज मिली। अच्छा ये आशी के है भाई। मेरे को मिली ये, आई
वन मोर राउंड्स ये राउंड्स गिना राउंड्स वन टू थ्री फोर फोर बेस्ट चीज आशी को वन वन टू टू थ्री थ्री मतलब तीन बेस्ट चीज इशू को तो जीता कौन ब्रांड्स गिनवाओ मतलब तू ब्रांड्स के पीछे क्यों पागल है लखा है डोम्स ऑक्टेन रोरिटो ये मेरे को बताना डोम्स ये लोकल है अप्सरा नटराज नटराज के ये देख चबाया हुआ किसी ने खामा खामा ही क्या ये तो मैं मेरी बेस्ट का है मैंने ये बेस्ट का है इसकी बेस्ट का है नट तो मेरी भी बेस्ट का है तो तेरे तेरे पास तो बेस्ट चीज फोर और तेरे पास बेस्ट चीज थ्री फिर भी आशी जीत गए बंदर तू तो हार गया शुरुआत में होता है अब तुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी मेरे को पनिशमेंट क्या मिलेगी कुछ तो पनिशमेंट जरूर तो मिलेगी नहीं पनिशमेंट तो तुम ही दोनों डिसाइड करो मैं क्या करूं करेले का जूस करेले का जूस पीना पड़ेगा करेला है नहीं लौकी का जूस लौकी नहीं है बच गया तो इसको मैं तीन काम करने होंगे जब मैं कहूंगी हाँ नहीं तुझे आज पूरे दिन में इसके तीन काम करने नहीं 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 तू एक एक तू फिर तेरे पास चॉइस है तू एक घंटे के लिए इसका वो बनेगा सेवक नहीं नहीं होनी चाहिए कुछ और बढ़िया से दो तो तू बंदर बन के दिखा ये क्या ऐसा कुछ नहीं है उसकी पनिशमेंट उसको खाना है ये हाफ खाना नहीं है एक मिनट रुको रुको ये उसको हाफ खाना नहीं। है ये क्या कर रही है ये पीना उसको बिना पानी के उसको खाने को देती छिलके के साथ ये लो भाई पनिशमेंट अब तुझे करनी पड़ेगी ये पूरा खाना है और ये पानी पीना है ये क्या है ये मतलब वो थोड़ी है पी क्या है क्या है पी के तो देख ये तो नींबू है हाँ तो पी नींबू ही नींबू पानी अब ये छिलके के साथ खाना है आपको अभी आपको छिलके के साथ खाना है नींबू छिलके के साथ यस हाँ छिलके के साथ खाता है तू खाएगा पनिशमेंट है तेरी और तेरे लिए वो ला दूं रबड़ी छिलके हाँ छिलके के साथ कौन खाता है तू खाएगा पनिशमेंट है छिलके के साथ तो मत खिला चल 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 पनिशमेंट चबा जा इसीलिए कहती कुत्ता ये कैसा लग रहा है इसे अब इसके साथ तुझे अच्छे वाला एक्सप्रेशन देना जैसे तू रसमलाई खा रहा है हाँ मतलब तुझे चाहे वाह चाहे तुझे कितना ही कड़वा लगे पर तुझे रसमलाई का वो देना है एक्सप्रेशन हाँ दिखा भाई कैसा है वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त है जबरदस्त नहीं जबरदस्त नहीं भाई एक्सप्रेशन अच्छा हेलो दोस्तों द डागर फैमिली में आपका स्वागत है आज मैं आपको कुछ स्टिचिंग का दिखाने वाली हूँ एक ड्रेस है जो मेरी बहन काफ़ी दिनों मतलब बहुत दिनों पहले खरीदी थी पहले एक बार उसका लुक दिखाऊंगी और फिर उसमें हम कुछ DIY करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट उसका दिखाऊंगी देखिए दोस्तों ये एक वन पीस है ये पूरा का पूरा वन पीस है ये इसने काफ़ी बार कैरी कर लिया है तो अब ये पुराना सा लगने लगा है अब इसको हम एक नया लुक देंगे और वो नया लुक कैसे देंगे वो मैं आगे आपके वीडियो में दिखाऊंगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा के पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हमने इसको नया लुक कैसे दिया देखिए दोस्तों जैसे पहले मैंने दिखाया था ये पूरी की पूरी एक ड्रेस थी अब मैंने इसको देखो ये अलग अलग कर लिया है ये अलग कर दिया है ये अलग कर दिया है
अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये वाले लेस ली है, ये देखिए, ये शनि बाज़ार लगता है 60 फुट पे, जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद में, वहाँ से मैंने ये ख़रीदी है लेस। मुझे ये 100 रुपीज़ की पड़ी है। ये तकरीबन 5 मीटर लेस है, ये मैं नीचे लगाऊंगी। और ये नेट लेके आई हूँ, ये मुझे 30 रुपीज़ मीटर पड़ी है। मैंने 3 मीटर 3.5 मीटर लिए, मुझे 100 रुपीज़ की पड़ गई है ये। और मैं इससे कुछ साड़ी का लुक दूंगी, देखते हैं फाइनल लुक। और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है। अब जैसे ये वाली लेस ऐसे है, इसमें काफ़ी फैब्रिक ऊपर एक्स्ट्रा दे रखा है। अब हमने इसकी कटिंग करनी शुरू कर दी है, बिल्कुल कॉर्नर से हम इसको काटेंगे ताकि हमें लगाने में ये आसानी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने लेस जो कट करी थी, ये देखिए, ये मैंने इस तरफ से तो लगा दी है। अब मैं इस तरफ से इसको पूरे की पूरे स्कर्ट के घेर पे मैं इसको लगा रही हूँ। थोड़ा रुक रुक करके लगेगी क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ लगने के बाद कैसे लग रहा है। ये देखिए, पूरा लुक ही चेंज हो गया इसका। दोस्तों अब बैठ चुकी हूँ मैं अपनी मशीन पे। मैंने अपनी सिस्टर का वो ड्रेस आपको पहले शेयर की थी, तो आज बहुत दिनों बाद उसको कंप्लीट कर रही हूँ मैं। अब आपको दिखाती हूँ मैंने उसमें क्या क्या कर दिया है, और मैं उसमें नेक्स्ट क्या क्या करने वाली हूँ, उसमें नया लुक मैं कैसे लेके आने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने स्कर्ट के नीचे लेस लगा दी है। अब मेरे पास सेम फैब्रिक तो है नहीं जो ये ऊपर है, अब मैं इसको स्कर्ट का लुक देने वाली हूँ। मेरे पास सेम फैब्रिक नहीं है, इसीलिए मैंने और दूसरा गोल्डन कलर का लिया है, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो अंदर ही जाने वाला है। अब इसको स्कर्ट का लुक देने के लिए मैं अंदर की तरफ इसको मशीन लगा के फोल्ड कर दूँगी। देखिए दोस्तों, ये मेरी मशीन है। देखिए दोस्तों, मैंने ये स्कर्ट जो है ये उल्टी कर ली है। मैं जो वेस्ट की फिट उसका जो मेज़र है उसका निशान लगा दूंगी। उसका मेज़र है 39, तो 39 का मैं ऑलमोस्ट 40 ही लूँगी अप्रॉक्स में। तो यहाँ पर मैंने बीच में 20 इंच रख के और मैंने मार्किंग कर दी है। अब मैं इसकी फिटिंग पे निशान लगा के और ये वाला कपड़ा लगा के इसको मोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कपड़ा जो है ये लगा दिया है और ये अंदर की तरफ मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। साइड में मैं अभी ज़िप लगाऊंगी। ये अब मैं ये कपड़ा धीरे धीरे करके बस फोल्ड करना अंदर की तरफ लगा। ये देख लो, ये मेरा बंदर बच्चा पीछे बैठा बैठा अजीब अजीब इशारे कर रही है। ये देखो, ये देखो, मतलब ये क्या हो रहा है आशी। देखिए दोस्तों, अब लगानी है मुझे जिप। जिप लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो ये वाला जो पैर होता है 2 फुटर जो होता है, इसको निकाल के मैं सिंगल फुटर लगाऊंगी, ये वाला, मतलब जिसमें एक पैर होता है। और ये वाला मैं अभी चेंज करके इसमें जिप लगा दूंगी। ये मेरा निकल चुका है, ये डबल फुटर होता है ये, और ये हमारा सिंगल फुटर। और ये वाला भी मैं इसको टाइट करके, इसे ज़िप लगाने में ना बड़ी आसानी होती है और इनविजिबल ज़िप लग जाती है। अब देखिए, ये जो ज़िप है ये मैं ऐसे रखूँगी, यहाँ पूरी की पूरी मैंने
जिप जो है वो खोल दी। अब मैं इसको यहां से लगाना मैं स्टार्ट करूं। ये बड़ी आसानी से हमारी लग जाती है। अब देखिए दोस्तों, स्कर्ट जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और अब मैं आपको ब्लाउज का दिखाती हूँ कि मैं आपको ब्लाउज का क्या करने वाली हूँ और मैंने स्कर्ट किस तरीके से तैयार कर दी है। ये देखिए दोस्तों, स्कर्ट हमारी पूरी पूरी तैयार हो चुकी है। ये मैंने साइड में जिप लगा दी है, स्कर्ट वाला हुक भी लगा दिया है और मैंने ये जो ये चुन्नी है ये मैंने अंदर की तरफ अटैच कर दी है और ये बाहर की तरफ आएगी और ये साड़ी का लुक देगी। ये मेरे पास वो जो गाउन था ये उसके ऊपर का पीस रखा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये देखिए, अब इसमें आगे की तो डार्ट डली हुई है पर ये अच्छी नहीं डली हुई है, तो मैं एक साइड की एक यहाँ की इसको प्रॉपर ब्लाउज का ही लुक दूंगी और साइड में जिप लगाऊंगी। तो मैं ये जो ब्लाउज है इसमें डार्ट का निशान लगा लूंगी, मतलब बैक में दो डार्ट और फ्रंट में तीन एक तरफ और तीन एक तरफ, मतलब टोटल सिक्स डार्ट, सिक्स डार्ट आगे और टू डार्ट्स पीछे। अब ये डार्ट डालने के लिए मैं ऊपर से बैक की डार्ट डाल रही हूँ। बैक की डार्ट डालने के लिए मैं ऊपर से लूँगी हमारा 11 इंच और साइड में से लूँगी हम 3.5 इंच। 3.5 ले लो, अप्रॉक्स 4 ले लो, पर 3.5 ज़्यादा सही होता है। तो ये मेरी बैक के डार्ट की जो है वो निशान जो है वो लग चुका है। अभी मैं यही सेम चीज़ इसको ऐसे करके पीछे की तरफ भी लगा दूँगी। अब जहाँ तक बात है फ्रंट की डार्ट की, फ्रंट के डार्ट वैसे वेस्ट के अकॉर्डिंग ही डलती है, पर जो नॉर्मली मतलब एवरेज सब में डार्ट डलती है वो होती है नीचे की, वही सेम 11.5 इंच की हम नीचे की लेंगे और 3.5 इंच ऊपर से 11.5, साइड में से 3.5 डाल के हम ये नीचे की डार्ट डल गई हमारे। अब हम जो आर्म होल की डार्ट है उसको हम कैसे लेंगे, आर्म होल का हम हाफ ले लेंगे और उसमें 0.5 जो है वो मेज़र कर देंगे। आर्म होल का, आर्म होल हमारा 10 मतलब 5 हो गया है हमारा। अब उसमें 0.5 ऐड करने के बाद ये हो गया हमारा 6.5। 6.5 से हम 3.5 की हम इसको एक डार्ट लगा देंगे और जो हमारी जो साइड की डार्ट है वो जो हमारी बैक नीचे की डार्ट थी उससे 2.5 हम इधर की तरफ लेके और हम डायगनल उसको बना देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये साइड आर्म होल की डार्ट, ये यहाँ की डार्ट और ये यहाँ की डार्ट, मतलब तीनों डार्ट एक तरफ और तीन ही डार्ट सेम में इस तरफ भी लगा दूँगी और वो फिर मैं डाल के प्रॉपर इसको ब्लाउज का लुक दूँगी। अब देखिए दोस्तों, मुझे अंदर की तरफ ना मोड़ना पड़े इसीलिए मैंने दोनों को ही मतलब ये जो हमारे पास ये फैब्रिक था इसका इनर और ये मैंने अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके एक सीम जो है वो लगा दी है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा सिल के हमारा ब्लाउज़ जो है वो तैयार हो चुका है। ये पूरी की पूरी हमने डार्ट्स डाल दी है, पीछे की भी हमने डाल दी है और साइड में ये देखिए हमने जिप जो है वो लगा दी है। अब मैं इसको ड्रेस को तैयार करके पहना के आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये ड्रेस का फाइनल लुक
ऐसे आया है। अब ये मेकअप आर्टिस्ट है, इसने अपना फुल मेकअप कर लिया है और पूरी की पूरी ज्वेलरी पहन के। अब देखिए ये ड्रेस बिल्कुल न्यू पार्टी वेयर हो चुकी है। अब ये करेगी अपना क्या फोटो करेगी शूट, फोटो शूट करवाऊंगी मैं, फोटो शूट करवाएगी। देखिए दोस्तों कैसी लग रही है ये, देखिए दोस्तों ये ड्रेस का फाइनल लुक ऐसे आया है। अब ये मेकअप आर्टिस्ट है, इसने अपना फुल मेकअप कर लिया है और पूरी की पूरी ज्वेलरी पहन के। अब देखिए ये ड्रेस बिल्कुल न्यू पार्टी वेयर हो चुकी है। अब ये करेगी अपना क्या फोटो करेगी शूट, फोटो शूट करवाऊंगी मैं, फोटो शूट करवाएगी। देखिए दोस्तों कैसी लग रही है ये चल रहा है इसका मेकओवर फोटो शूट। ये देखिए दोस्तों ये देखो भाई ये लग गई, मटके भी रख रखी है भाई इसने अपनी साइड में, देखो वाह जी वाह। देखिए दोस्तों अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी गोलू लगी हुई है शुरुआत से करो वीडियो बनवाने तक वीडियो बनाने में और ये पूरी बिजी। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज की वीडियो में है, मैंने आज पहले बच्चों का चैलेंज हुआ, फिर उन्होंने बनाना शेक पिया है, फिर मैंने मेरी बहन की एक ड्रेस स्टिच करी है और एंड में मेरी भाभी की भाई को की शादी है 12 तारीख की, तो उनको वो जो तेल चढ़ाते हैं तेल चढ़ाने की बांध बिठाते हैं वो आज से रस्में शुरू हुई हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और जंतु तो ठीक दिखा है ना, उनते ना दिखे तो आरी बस तीन की मां तो ले रे रख चाला देख 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 को कोसली हाथ ना लागण देन तारे ही लाव सोनू मार मार रुमाल भी करता है पूनम में फिर आ जा ये देखो भाई ये लग गई, मटके भी रख रखी है भाई इसने अपनी साइड में, देखो वाह जी वाह। कैसा लगा? देखिए दोस्तों अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारी गोलू लगी हुई है शुरुआत से वीडियो बनाने में।